Hello friends and dear students, this is my third lecture of Network Administration lecture series. In this lecture, I will discuss about some advanced Active Directory concepts. Today I will teach you about delegation of control and how to create custom MMCs. इसके अलावा फाइल सर्वर मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक डिस्क कोटाज एंड शैडो कॉपीज भी डिस्कस करें। सो स्टार्टिंग विद डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, अभी तक हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कंप्लीट नेटवर्क को मैनेज करता है उसके कॉन्टेक्स्ट में कार्य किया। अब डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पर एक मैनेजर असाइन करना जिससे कि नेटवर्क डिसेंट्रलाइज बन जाता है। इसे हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर वन, डेलीगेट द कॉमन टास्क, इसका मतलब है यूजर्स एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट। नंबर टू, डेलीगेट द कस्टम टास्क, इसका मतलब है अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रिसोर्सेज को मैनेज करना। नंबर थ्री, डेलीगेट कंट्रोल, हम एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ओयू पर अथवा पूरे डोमेन पर लगा सकते हैं। आप जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर ने डिफरेंट ओयूज को के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को नॉमिनेट कर दिया, यानी कि डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल असाइन कर दिया एक ही डोमेन में। यहाँ से स्टेप्स दिए हुए हैं टू गिव डेलीगेट राइट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे, देन ओयू राइट क्लिक डेलीगेट कंट्रोल एंड सेलेक्ट यूजर और ग्रुप, डेलीगेट द कॉमन टास्क, नेक्स्ट एंड फिनिश। टू चेक विच डेलीगेट राइट्स आर असाइंड एंड टू हूम, किसको कौन से डेलीगेट राइट्स असाइन किए गए हैं ये चेक कैसे करेंगे, इसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे, देन व्यू मेन्यू एडवांस फीचर्स ओयू प्रॉपर्टी देन सिक्योरिटी टैब एंड देन क्लिक एडवांस। अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए कस्टम एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। In my last lecture, I have told you about the default MMC. Here, we will look after creation of custom MMC or customized MMC. MMC को अपनी needs के according customize किया जा सकता है, जिसे हम custom MMC कहते हैं। For example, confusing toolbars को remove कर सकते हैं। नंबर टू, मेन्यू ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी रिमूव किए जा सकते हैं कस्टमाइजेशन में। ऐसा करना नए एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हेल्पफुल रहता है। एमएमसी टास्क पैड क्या होता है? एमएमसी टास्क पैड के माध्यम से स्पेसिफिक टास्क को एक टास्क पैड में सेट किया जा सकता है। एक टास्क पैड के अंदर स्पेसिफिक टास्क पैड को इनेबल किया जा सकता है, स्पेसिफिक टास्क को। टास्क पैड क्या होता है? बेसिकली यह एक तरीका है जिससे कि हम एमएमसी क्रिएट करते हैं तथा मैनेज कर सकते हैं। यह एक लिंक की तरह कार्य करता है जो कि किसी पर्टिकुलर स्नैपिंग के लिए होता है। डेलीगेट कंट्रोल भी टास्क पैड के साथ यूज किया जाता है। कुछ ऑप्शन जो कि टास्क पैड प्रोवाइड कराता है वो है क्रिएट न्यू टास्क पैड, अपने आप टास्क पैड क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं टास्क पैड में, ऐड न्यू टास्क इन द एग्जिस्टिंग टास्क पैड में, नई टास्क ऐड कर सकते हैं, फिर डेलीगेट कंट्रोल करने के लिए डेलीगेट कंट्रोल दे सकते हैं, कस्टमाइज टास्क पैड को सिक्योरिटी परपस, सिक्योरिटी परपस के लिए टास्क पैड को कस्टमाइज किया जा सकता है, ये कस्टमाइज टास्क पैड है डिफॉल्ट। इसे स्टेप दिया हुआ है रन एंड ऑन की टैग ए टी क्रिएट टास्क पैड को क्रिएटिंग न्यू डोमेन यूजर्स में
इसलिए क्या करना होता है, जब भी हम इस मूवमेंट इस कलर का मैं बनती देन फाइल बनी एड रिमूव में आती सिलेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स में करती हूँ देन ऐड ओके देन गो टू पेंसिल व्यू सिलेक्ट होगी राइट क्लिक ऑन होगी न्यू टास्क एंड देन फॉलो इंस्ट्रक्शन इन द रिजल्ट। इस तरीके से क्या होता है न्यू फॉर क्रिएटिंग न्यू डोमेन यूजर्स इन ओली आप टास्क पर देते हैं। नेक्स्ट टास्क वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एडवांस एक्टिव डायरेक्शन इन फोल्डर डायरेक्शन। बेसिकली फोल्डर डायरेक्शन एक ग्रुप पॉलिसी है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पर या फिर एंटायर डोमेन पर भी लगाई जा सकती है। फोल्डर रिडायरेक्शन के माध्यम से यूजर की इंफॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर होती है। यूजर्स की प्रोफाइल्स सर्वर में एक शेयर्ड फोल्डर में रेप्लिकेट होती हैं, ठीक है। तो दिए गए स्टेप्स से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टेप यहाँ दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर लॉग ऑन एज ए यूज़र, क्रिएट न्यू फाइल इन माई डॉक्यूमेंट एंड लॉग ऑन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन शेयर फोल्डर टू गेट यूज़र प्रोफाइल एंड इंफॉर्मेशन। अब हम फाइल सर्वर मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें फाइल सिस्टम को एनक्रिप्ट करना, डिस्क कोटास क्या होता है, शेडो कॉपीज क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, यानी फाइल सिस्टम को एनक्रिप्ट करना। EFS एनक्रिप्ट मेक्स डेटा अनइंटेलिजिबल विदाउट अ डिक्रिप्शन की। सो EFS एनक्रिप्शन से डेटा को बिना किसी डिक्रिप्शन की के एनक्रिप्ट किया जाता है। EFS के माध्यम से डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, हम डेटा को एक्सेस करते हैं तथा डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। जब किसी फोल्डर को एनक्रिप्ट करते हैं तो उसके अंदर की सारी फाइल्स तथा सब फोल्डर्स ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाते हैं, या हम फ्यूचर में उसके अंदर अगर कोई फाइल या फोल्डर ऐड करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाता है। यूजर किसी भी इनक्रिप्टेड फाइल को नॉर्मल फाइल की तरह एक्सेस करते हैं। एक्सेस्ड फाइल को क्लोज करने पे EFS उसे दोबारा इनक्रिप्ट कर देता है। यूज़ EFS टू डिक्रिप्ट डेटा। The file remains decrypted until it is encrypted again. अगर हम डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं EFS के माध्यम से तो जो डिक्रिप्टेड फाइल होती है वो डिक्रिप्टेड ही रहती है जब तक उसे दोबारा एनक्रिप्ट नहीं किया जाता। जबकि जो एनक्रिप्टेड फाइल होती है उसको एक्सेस कर भी कर सकते हैं एज ए नॉर्मल फाइल एंड अगेन जैसे ही उसे क्लोज करेंगे तो वो फिर से एनक्रिप्ट हो जाती है। ये डिफरेंस है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों में। NTFS वॉल्यूम्स में फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्प्ले या ऑल्टर करने के लिए हम साइफर कमांड का यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिस्क कोटास। डिस्क कोटास बेसिकली NTFS वॉल्यूम में स्थित यूजर्स को अलॉटेड डिस्क स्पेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। क्या होता है कि NTFS जो कंप्लीट वॉल्यूम होती है हमारी सर्वर में, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को पर्टिकुलर कोटा या डिस्क स्पेस अलॉट कर दिया जाता है, यानी वो उनको जितना स्पेस दिया गया है वो उसी में वर्क करेंगे, उससे ज़्यादा स्पेस उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्क कोटास को यूज़ किया जाता है। तो यूज़र्स को जितना डिस्क कोटा लिमिट प्रोवाइडेड होता है वह उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जब कोई यूज़र लिमिट के पास होता है और उसे क्रॉस करने वाला होता है तो उस स्थिति में इवेंट्स लॉग बन जाते हैं, जिससे कि लॉग फाइल्स के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाता है कि किस यूज़र ने कितना डिस्क स्पेस यूज़ कर लिया है। डिस्क कोटास हम लोकल वॉल्यूम्स या नेटवर्क वॉल्यूम्स या फिर रिमूवेबल ड्राइव्स में भी इनेबल कर सकते हैं। सिमिलरली लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के लिए भी इनेबल कर सकते हैं। इसमें फाइल कंप्रेशन फैसिलिटी नहीं होती,
फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र चाहे कि डिस्क स्पेस बचाने के लिए वो अपनी फाइल्स को कंप्रेस करके रखें, तो ऐसा नहीं कर सकता। शैडो कॉपीज़ क्या होते हैं? शैडो कॉपीज़ के माध्यम से हम नेटवर्क फोल्डर के रीड ओनली कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं। शैडो कॉपीज़ से एक्सीडेंटली डिलीटेड या ओवर रिटन फाइल्स को रिकवर भी किया जा सकता है, वर्जन चेकिंग भी कर सकते हैं, या कि स्पेसिफिक शेयर्ड फोल्डर पर नहीं बल्कि पूरी वॉल्यूम बेसिस पर इनेबल की जाती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही शेयर्ड फोल्डर पे हम शैडो कॉपीज़ इनेबल करेंगे, जबकि पूरी वॉल्यूम पे वर्क करती है। बैकअप की तरह कार्य है, बट हम रेगुलर बैकअप को शैडो कॉपीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। जब स्टोरेज लिमिट पूरी हो जाती है तब ओल्डेस्ट शैडो कॉपीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है एंड कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, और हम उसको रिट्रीव भी नहीं कर सकते बाद में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिफरेंट सर्वर्स के शेयर्ड फोल्डर्स को सिंगल हायरार्की में ग्रुप लॉजिकली ग्रुप करने पर जो फाइल सिस्टम बनता है उसे DFS कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहते हैं। सिंगल शेयर्ड फोल्डर में सभी नेटवर्क रिसोर्सेस आते हैं। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरीज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ही यूज़ करती हैं। तो इस लेक्चर में आज हमने कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स टास्क डिस्कस करी हैं एक्टिव डायरेक्टरी की, जैसे कि डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, टास्क पैड क्या होता है एंड फोल्डर डायरेक्शन क्या होता है, कस्टमाइज्ड MMC का क्या कार्य है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट जैसे कि एनक्रिप्शन ऑफ फाइल सिस्टम, डिस्कोटास, शेडो कॉपीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर DNS सर्वर, देन DHCP एंड IIS वेब सर्वर सिक्वेंशियल। दिस इज द रेफरेंस आई एम टेकिंग। थैंक यू।